बेरंगी, वो लड़कियों को हर बार कुछ ना कुछ बोलते रहते, हर बार लड़कियों को डांटती, और शादीशुदा लड़कियां वहां पर आती है तो उनको बोलते उल्टे सुलटे शब्द बोलते, कोई शादीशुदा लड़का को बेरंगी को हटो। आपको याद है एक लड़की का वो वीडियो जिसमें उसने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कलेक्टर साहब आप बाहर नहीं आ रहे हैं तो हमको कलेक्टर बना दो। जी हां, बात कर रहा हूं निर्मला चौहान की, उस लड़की की जो कन्या महाविद्यालय की छात्रा है और पहुंची थी एक वर्ष पहले कलेक्टर ऑफिस, और जब ज्ञापन नहीं लिख गया था तो फिर गुस्सा निकला था और कह दिया था कि हमको कलेक्टर बना दो। एक बार फिर निर्मला चौहान नाम की ये लड़की है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, झाबुआ का ये वीडियो बताया जा रहा है। शुरुआत में कुछ देर आपने वो सुना होगा, भाषण भरे मन से जो भाषण देते हुए स्टाफ पर आरोप लगाए और इस बार फिर कलेक्ट्रेट को घेरने पहुंच गई लड़की और चर्चा में आ गई। एक बार फिर सुनिए कैसे यहां पर छात्र छात्राओं के बीच में जो निर्मला है, निर्मला ने उस तरीके से फिर जो है चेतावनी दी। अच्छे से सोते नींद से, वाह हम तो फालतू को झप्पर बना तो क्या पढ़ने नहीं आते। निर्मला चौहान नाम की ये लड़की जो है, इसका पहले भी वीडियो वायरल हुआ था इनका, और ये चर्चा में भी आई थी। आपको बता दें कि उस दौर में NSUI के लोग भी ज्ञापन देने पहुंचे थे, आज भी NSUI का ये कार्यक्रम था। एक वर्ष पहले ये वीडियो बहुत सुर्खियों में आया था क्योंकि ज्ञापन जब कलेक्टर ने नहीं लिया था उसके बाद लड़की का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में कलेक्टर बनाने की बात कह डाली थी। एक बार फिर ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और एक बार फिर निर्मला के अंदाज की चर्चा हो रही है। फिलहाल जो निर्मला हैं वो कन्या महाविद्यालय की छात्रा हैं और इंदौर में रहकर PSC की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में आपको कांग्रेस के बड़े नेता कांतिलाल भूरिया भी नजर आ रहे होंगे, तो कांग्रेस के नेता की मौजूदगी में ही लड़की ने जो जिस तरीके से भाषण देना शुरू किया वो चर्चा का विषय बन गया। यही वजह है कि अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अंदाज तब भी सुर्खियों में आया था जब कहा था कि हमको कलेक्टर बना दो, एक बार फिर ये अंदाज जो है चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान भी बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी और छात्राओं की मौजूदगी में भीड़ में जिस अंदाज में निर्मला ने प्रशासन को घेरा उसके बाद फिर वो चर्चा में है। झाबुआ से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे साथ चंद्रभान सिंह ने, आप देखते रहे।